राज्य मंत्री राव इंद्रजीत जी, सामाजिक एवं अधिकारिता राज्य मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर जी, केंद्रीय जल शक्ति एवं अधिकारिता राज्य मंत्री श्री रतनलाल कटारिया जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री, राज्यसभा सांसद और हरियाणा के हमारे पार्टी के संगठनात्मक मामलों के प्रभारी आदरणीय श्री अनिल डॉक्टर अनिल जैन जी, हमारे राष्ट्रीय मंत्री बहन सुधा यादव जी, विधानसभा चुनाव में सह प्रभारी उत्तर प्रदेश के मंत्री श्री भूपेंद्र चौधरी जी, पार्टी के हमारे हरियाणा सरकार के सभी हमारे मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, पन्ना प्रमुख से लेकर प्रदेश स्तर के सभी हमारे पदाधिकारीगण, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, पत्रकार छायाकार मित्रों, आज हम लोग यहाँ विजय संकल्प रैली इस रूप में पूरे हरियाणा के कोने कोने से पार्टी के कार्यकर्ता तथा हरियाणा के मेरे 2.5 करोड़ जनता के जो जिसको हमने परिवार माना है उसके सभी प्रतिनिधिगण यहाँ एकत्र हुए हैं। और ये अवसर ऐसे मौके पर है जब हम लोगों ने जन आशीर्वाद यात्रा चुनाव से ठीक पहले इसको सभी 90 के 90 विधानसभा में जाकर आप सब लोगों का, जनता का आशीर्वाद प्राप्त किया है। भाइयों बहनों, ये यात्रा मेरे लिए एक बहुत ही जिसको कहना चाहिए अद्भुत अभूतपूर्व एक अनुभव था। इतनी बड़ी संख्या में गांव-गांव में, शहर के हर कोने में लोगों ने पलकें फावड़े बिछाकर यात्रा का स्वागत किया और हमने उनसे आशीर्वाद भी लिया। 90 विधानसभाओं की यात्रा आज पूर्ण होकर इसमें लगभग 3000 किलोमीटर की यात्रा थी। 18 अगस्त को शुरू होकर आज 8 सितंबर को यह समाप्त हो रही है। 1200 कार्यक्रम छोटे बड़े इसमें हुए हैं और मैं एक अनुमान से कह सकता हूं कि लगभग 20 लाख लोगों ने इस यात्रा को अपना आशीर्वाद दिया है। मैं हृदय की गहराई से ऐसे सब लोगों का बहुत बहुत आभारी हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इस यात्रा को संपन्न कराने में हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारी, सभी हमारे विधायक, सांसद, मंत्रीगण, सब लोगों का योगदान रहा है। और इसमें मीडिया के हमारे बंधु, पत्रकार, छायाकार, उन्होंने हर रोज जिस प्रकार से इस यात्रा के बारे में जनता के सामने रखा, एक बहुत ही उत्साह देने वाला हमारा ये प्रोजेक्ट पब्लिक के सामने लाए हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे प्रशासन के अधिकारियों ने भी इस व्यवस्था में हर तरीके से इसको सफल बनाने के लिए हमारा सहयोग किया है। भाइयों बहनों, हमारी ये यात्रा ठीक चुनाव से पहले हम लोगों ने की है। प्रधानमंत्री जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1966 में जब हरियाणा बना था, 48 वर्षों में इस प्रदेश में पिछली सरकारों ने खूब अनियमितताएं की, कोई भी व्यवस्था इस प्रकार की नहीं बनाई कि जनता को इसको सीधा सीधा लाभ हो सके। यहाँ 5 साल में हमने जनता का पूरा सम्मान किया, जबकि पिछले 48 सालों में जनता के साथ पिछली सरकारें खिलवाड़ करती रही। भय, भ्रष्टाचार और भेदभाव, इस नाते से जनता बहुत पीड़ित थी। तो 5 साल पहले आपके आशीर्वाद से जनता ने हमको पहली बार भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार सौंपी थी। हमने इन 5 वर्षों में हरियाणा के लोगों को अपना परिवार मान करके दिन रात एक करके पीछे मुड़कर नहीं देखा, हमने पूरी सेवा की है। विकास के काम भी बिना किसी भेदभाव के, चाहे कहीं भारतीय जनता पार्टी का विधायक रहा हो चाहे ना रहा हो, हमने हर क्षेत्र में विकास के काम किए। सैकड़ों करोड़ रुपए के हर विधानसभा केंद्र काम हुए हैं और इस प्रकार से राजकाज की जो पुरानी व्यवस्थाएं हैं उनको सबको बदलने का काम किया। एक प्रकार से राजनीति का मायना ही हमने बदल दिया। पहले राजनीति में जो राजनेता आते थे,
सिवाय अपने परिवार को, अपने परिवार के सदस्य, बेटा बेटी, पोता पेती पोती, जीजा साला, भाई भतीजा, केवल इनके परिवारों के लिए वो काम करते थे। लेकिन हम जब आए तो हमने संकल्प लिया कि हम राजनीति माने राजनीति के माध्यम से सेवा, और ये सेवा करते हुए हमने आज ये मुकाम पाया है कि लगातार 5 वर्षों में हमने जो काम किए, जनता ने हमने पूरा प्यार दिया। हमने इन 5 वर्षों में हरियाणा में जितने भी चुनाव हुए, चाहे वो ग्रामीण चुनाव थे, चाहे शहरों के चुनाव थे, और इसमें जब जींद का चुनाव आया तो जींद के चुनाव में तो निश्चित रूप से हरियाणा की दिशा ही बदल दी, क्योंकि हमने जनता में जो पारदर्शिता लाए, भ्रष्टाचार समाप्त किया, ई गवर्नेंस के माध्यम से हर व्यक्ति को वो सेवा दी जिसके लिए वो भटकता था, चाहे वो सरपंच से लेकर के डीसी तक, तहसीलदार, एसडीएम, ये सब लोगों के यहाँ जाते हुए भी दलाल और जो बिचौलिए वो उनका काम कराते थे। हमने भाइयों बहनों, हमने आकर के इन दलाल और जो बिचौलिए थे, इनके सफेद कुर्ते पजामे मांड लगे वाले, ये सब खूंटियों पर टंगवा दिए। भाइयों बहनों, हमने इनका सहारा नहीं लेने दिया। सीधा संबंध बनाया जनता से, ऑनलाइन ट्रांसफर कराए, मेरिट पर हमने भर्तियां कराई, और मेरिट पर भर्ती होने पर गरीब से गरीब परिवार का व्यक्ति खेत में काम कर रहा है, उसको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाता है कि तुम्हें आज और सरकारी नौकरी मिल गई है। जिनको सरकारी नौकरियां नहीं मिली, उनको भी स्किलिंग के माध्यम से हमने हरियाणा में एक पहली स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी ये खोली भाइयों बहनों, और उसमें 800 से ज्यादा कोर्सेज स्किलिंग के लिए नौजवानों को हमने उसका लाभ दिलवाया, जिसके अंतर्गत हमारा जो इन्वेस्टर है वो भी हरियाणा में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हुआ। 50,000 से ज्यादा एमएसएमई इन 5 वर्षों के अंदर लोगों ने स्थापित किए, और 5.5 लाख नौजवानों को उनको रोजगार मिला है उसमें। तो इस नाते से हरियाणा का नौजवान, उसको रोजगार दिलाना, महिलाओं के लिए आपने उज्ज्वला स्कीम के माध्यम से हमारी बहनों माताओं का जो परेशानी रसोई में उनको होती थी, धुआं झेलना पड़ता था लकड़ी की जला करके, जो धुएं से उनकी आंखें खराब होती थी, हरियाणा में हमने गैस कनेक्शन उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 9 लाख परिवारों को हमने गैस कनेक्शन पहुंचाया है भाई बहनों, जिसके कारण से आज हमारी माताएं बहनें बहुत ही एक आनंद का वातावरण है महसूस करती हैं। इसी प्रकार हमने ये भी योजना बनाई है कि आने वाले 5 वर्ष में गांव हो, चाहे शहर हो, चाहे बस्ती हो, हर रसोई में पीने का साफ पानी, ये हम नल लगाकर नल से जल व्यवस्था के अंतर्गत हर रसोई में पानी पहुंचा देंगे, ताकि हमारी बहनों माताओं को दूर से जो पानी लाना पड़ता है उससे उनको निजात मिले। इसी प्रकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम लोगों ने हमारा जो रैंकिंग 2014 में 14वें नंबर पर थे, हमारी रैंकर सुधार करके उत्तर भारत में हम प्रथम स्थान हमने प्राप्त किया है। इस प्रकार से काम हमने बेतहाशा किए, और इन कामों के कारण से आज जनता इसका प्यार हमको मिल रहा है। आपने लोकसभा के चुनाव से पहले जो राष्ट्रीयता का भाव जागृत किया, और उसके कारण से हरियाणा के लोग जिस प्रकार से उमड़े, 10 की दर लोकसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी को जिता करके हरियाणा के लोगों ने प्रधानमंत्री जी आपको समर्पित की है। रोहतक जैसा क्षेत्र जिसके बारे में कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी कभी जीत नहीं सकती, यहाँ इस रोहतक की धरती पर भी भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा की सीट जीत करके और आपके झोले में डाली है। और इसमें से स्वाभाविक रूप से एक वातावरण बना कि हम हरियाणा में अगली सरकार, 1 महीने के बाद जो ये सरकार बनने का समय आएगा, निश्चित रूप से हरियाणा का जो 75 पार का जो हमने लक्ष्य रखा है, वो 75 पार का लक्ष्य आपके आशीर्वाद से हम पूरा करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और मैं यह यकीन दिलाता हूँ अपने हरियाणा की जनता को कि आने वाले समय में, हालांकि काम बहुत किए तो भी अभी बहुत से काम करने शेष हैं, उस गरीब जनता को जो आज भी कहीं ना कहीं दुखी है, पीड़ित है, उस किसान को जिसको
भाव पूरा देने के लिए हम पूरा प्रयत्न कर रहे हैं, फिर भी किसी इलाके में यदि पानी की कमी है, किसी इलाके में उसको कोई भी तकलीफ है, उसको दूर करने के लिए हम दिन रात एक किए हुए हैं। मैं आशा करता हूं कि इन अगले पांच सालों के लिए हरियाणा की जनता हमको अपना आशीर्वाद देगी, और उस आशीर्वाद के बाद हम दिन दोगुनी रात चौगुनी, जैसे हरियाणा आगे बढ़ रहा है, बहुत सी योजनाओं में आगे बढ़ रहे हैं, उन योजनाओं का बहुत से प्रदेश तो ऐसे हैं जो हमारी योजनाओं को फॉलो भी कर रहे हैं, तो इन चीज़ों को और आगे बढ़ा करके हम हरियाणा को देश के सभी राज्यों में सबसे आगे लाएंगे। भाइयों बहनों, आज चूंकि प्रधानमंत्री जी हमारे बीच में आए हैं, हम चाहेंगे प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद हमको मिले, ताकि अगले चुनाव में हम फिर से भारी बहुमत के साथ हरियाणा में सरकार बनाकर हरियाणा की जनता की सेवा करें। आप यहाँ आज आए, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, और आप हमारा मार्गदर्शन करके हमारा उत्साह बढ़ाएंगे। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर और थोड़े शब्दों में हमारे बीच में पूरी यात्रा का वर्णन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। भारत माता की, भारत माता की, श्री नरेंद्र मोदी। जिनको सुनने के लिए इतनी बड़ी संख्या में हम यहां पर पहुंचे, जिन्होंने तीन तलाक जैसे कानून को समाप्त किया, जिन्होंने धारा 370 समाप्त कर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को पूरा किया, जो विश्व के सबसे प्रख्यात और प्रसिद्ध नेता हैं, ऐसे हमारे हरमन प्यारे, हर दिल अजीज, हिंदुस्तान की, जन जन की, दिलों की धड़कन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी से अनुरोध करता हूं कि वो हम सबको संबोधित करने के लिए मंच पर आए। नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सारे बहन भाइयों ने राम राम। मंच पर उपस्थित हरियाणा के लोकप्रिय, यशस्वी और परिश्रम की पराकाष्ठा करने वाले श्रीमान मनोहर लाल खट्टर जी, मंत्री परिषद के मेरे सहयोगी श्रीमान नरेंद्र सिंह जी तोमर, राव इंद्रजीत सिंह जी, कृष्णपाल गुर्जर जी, संसद में मेरे सहयोगी श्रीमान वीरेंद्र सिंह जी, श्री अरविंद शर्मा जी यहां पधारे, सभी माननीय सांसद, हरियाणा सरकार के मंत्रीगण, माननीय विधायकगण, पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता बंधु, और मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं सबसे पहले तो लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सबकी सब सीटें झोली में भर देने के लिए आप सबका आदरपूर्वक नमन करते हुए धन्यवाद करता हूं।
राजनीति के आज के युग में 55-60 प्रतिशत वोट पाना ये अपने आप में भी जन समर्थन का, जन विश्वास का, जन जागृति का एक अनमोल अवसर के रूप में मैं इसे देखता हूं। मैं हरियाणा को जितनी बधाइयां दूं, जितना धन्यवाद करूं, उतना कम है। पिछले महीनों में मुझे तीसरी बार रोहतक में आने का मौका मिला है। कभी चौधरी छोटूराम जी की प्रतिमा के लोकार्पण के लिए आया था, फिर मई में आप सबको मेरे काम का हिसाब देने के लिए आया था और आज फिर एक बार आपके बीच और अधिक समर्थन मांगने के लिए आया हूं। और हरियाणा ऐसा है, जितना मैंने मांगा उससे ज्यादा दिया है, भरपूर स्नेह दिया है। और इसके लिए मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाई और बहनों, रोहतक की मेरी आज की यात्रा के पीछे दो बड़े मकसद हैं। पहला मकसद, आपको विकास की नई नई परियोजनाओं का उपहार देना, और दूसरा मनोहर लाल जी को मिल रहे जबरदस्त जन आशीर्वाद का साक्षी बनने का। यहां जो दृश्य मैंने देखा है वो अभूतपूर्व है, बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूं धूप में तप रहे हैं। इतनी बड़ी तादाद में आप सबका आना, यह हवा का रुख दिखा रहा है। मैं कह सकता हूं कि मनोहर लाल जी और उनकी सरकार ने जिस प्रकार हरियाणा के लोगों की सेवा की है, ये जन आशीर्वाद उसी का जीता जागता सबूत है। मनोहर लाल जी की जन आशीर्वाद यात्रा आज भले ही रोहतक में समाप्त हो रही है, लेकिन इससे साफ हो गया है कि आने वाले समय में भी हरियाणा का आशीर्वाद किसके साथ रहेगा। और मनोहर जी 5 साल पहले जब दायित्व संभाला, तब भांति भांति की बातें, ।2001 में जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री बना, और जैसा मेरे लिए मैं भांति भांति की बातें सुनता था, मनोहर लाल जी के लिए भी। लेकिन 5 साल के एकनिष्ठ अथक
पुरुषार्थ का परिणाम है कि आज हर परिवार मनोहर बन गया है। अब हरियाणा के लोगों को कठिनाई हो रही है कि सही नाम क्या है। कोई नमोहर बोलता है, कोई मनोहर बोलता है, तो एक में ही दोनों समाहित है, नमोहर भी है मनोहर भी है। लोग मुझे नमो नमो करते थे, लेकिन जब मुझे लोगों ने नमोहर कहा तो मुझे भी जरा आश्चर्य हुआ। भाई और बहनों, विकास के रास्ते पर चलते हुए गरीब, पीड़ित, शोषित, वंचित की सेवा करते हुए जन विश्वास मिलता है। आज की ये सभा उस जनविश्वास को एक और मोहर लगा रही है। बीते 5 वर्ष में हरियाणा को भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य सरकार के डबल इंजन का पूरा लाभ मिला है। अभी हरियाणा में केंद्र सरकार की मदद से लगभग 25,000 करोड़ रुपए के बड़े प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। विकास के इसी सिलसिले को जारी रखते हुए थोड़ी देर पहले लगभग 2000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया गया है। इसमें बेटियों की उच्च शिक्षा के लिए सिरसा, पलवल, हिसार और नू में डिग्री कॉलेज भी शामिल है। मुझे खुशी है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को सफल बनाने के साथ ही यहां की बीजेपी सरकार बेटियों की शिक्षा पर व्यापक बल दे रही है। मैं मनोहर जी उनकी टीम को बधाई देता हूं। यहां आसपास के जिलों में बेटियों के अनुपात में जिस तरह वृद्धि हुई है इसकी चर्चा पूरा देश कर रहा है। साथियों, कॉलेज के साथ साथ पानी की परियोजना, सोलर स्ट्रीट लाइट का काम, स्वास्थ्य से जुड़ी सुविधाएं, स्मार्ट व्यवस्थाओं से जुड़े प्रोजेक्ट का शुभारंभ भी आज यहां हुआ है। इसके अलावा यही रोहतक में करीब 600 गरीब परिवारों को घर भी दिए गए हैं और एक मेगा फूड पार्क का शिलान्यास भी किया गया है। ये फूड पार्क हरियाणा के किसानों के लिए, यहां के युवा साथियों के लिए आय के, रोजगार के अनेक अवसर तैयार करने वाला है। जिन लोगों की दिवाली इस बार अपने नए घर में बीतने वाली है, उन्हें अभी से मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन सभी विकास परियोजनाओं के लिए आप सभी को, पूरे हरियाणा को अनेक अनेक अभिनंदन, बहुत बहुत बधाई।
साथियों, आज मैं यहां आप सभी के प्रति, पूरे हरियाणा वासियों के प्रति आभार व्यक्त करने भी आया हूं। जिस प्रकार दिल खोलकर प्यार और अपनापन, जैसा मैंने प्रारंभ में कहा, लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को दिशा दी, समर्थन दिया, एक नई ऊर्जा दी, यह अभूतपूर्व है। आपने जो विश्वास, जो भरोसा मुझ पर और भाजपा पर जताया है, उसके लिए मैं फिर एक बार आपके सामने विनम्रता के साथ अपना शीश झुकाता हूं। साथियों, मैंने तब भी कहा था कि हरियाणा से मुझे मिली सीख और हरियाणा से मिले मुझे संस्कार हरियाणा के पालन पोषण पर आपको गर्व हो, ऐसा काम करने में मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। ये संयोग ही है कि मैं हरियाणा में ऐसे समय आया हूं जब केंद्र में भाजपा एनडीए की सरकार के नए कार्यकाल के भी 100 दिन हो रहे हैं। और 100 दिन में कुछ लोगों तो समझ ही नहीं आ रहा है, 100 दिन से इतने बेहाल है कि मन सुन्न हो गया है उनका। ये 100 दिन विकास के रहे हैं, विश्वास के रहे हैं, देश में बड़े बड़े परिवर्तन के रहे हैं। ये 100 दिन निर्णय के रहे हैं, निष्ठा के रहे हैं, नेक नियत के भी रहे हैं। ये 100 दिन जन संकल्प के रहे हैं, जन सिद्धियों के रहे हैं, जनहित में सुधार के रहे हैं। साथियों, बीते 100 दिन में जो भी बड़े फैसले लिए गए, उनकी प्रेरणा और प्रोत्साहन सिर्फ और सिर्फ 130 करोड़ भारतवासी हैं, आप सभी हैं। आपके अभूतपूर्व विश्वास के बल पर ही कृषि से लेकर के राष्ट्र की रक्षा सुरक्षा से जुड़े बड़े निर्णय सरकार ले पाई है। आतंकवाद से निपटने के लिए, मुस्लिम बहनों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए और हमारे हिल सेक्टर की बेहतरी के लिए अनेक कानून बनाए गए। इसी तरह अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए अलग अलग सेक्टर्स को मदद करने का रोडमैप रखा गया है। देश में बैंकिंग व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ऐतिहासिक फैसले भी लिए गए हैं। यह भी शुरुआत है जिसका निश्चित लाभ आने वाले समय में मिलेगा। साथियों, इसके अलावा इन 100 दिनों में एक और महत्वपूर्ण काम हुआ है। इस दौरान संसद के सत्र में जितने बिल पास हुए हैं, जितना काम हुआ है, उतना किसी भी सत्र में
पिछले 60 साल में नहीं हुआ है। बहुत देर रात तक बैठकर सांसद सदस्यों ने चर्चाएं की, विचार विमर्श किया, बहस की, बात किया, विवाद किया, नए नए कानूनों पर चर्चा की। ये मंच बीजेपी का है, लेकिन संसद में रिकॉर्ड कार्यों के लिए मैं सभी दलों को धन्यवाद देता हूं। भाइयों और बहनों, बीते 100 दिन में देश और दुनिया ने देखा है कि हर चुनौती को, चाहे वो दशकों पुरानी हो या फिर भविष्य की हो, भारत अब हर चुनौती को चुनौती देता है। हम चुनौतियों से सीधा टकराना जानते हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का मामला हो या फिर गंभीर होता जल संकट हो, 130 करोड़ देशवासियों ने मिलकर नए समाधान तलाशने शुरू कर दिए हैं। जम्मू कश्मीर के, लद्दाख के करोड़ों साथियों के साथ मिलकर एक नई सोच के साथ उनके सपनों को, आकांक्षाओं को पूरा करने में हम जुट गए हैं। साथियों, आप ही की ही प्रेरणा से बीते 4 महीने में ऐसे अनेक संकल्प पूरे किए गए हैं जो चुनाव के दौरान हमने लिए थे। हमने देश की 8 करोड़ गरीब बहनों के घर उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन देने का संकल्प लिया था। उसको कल ही महाराष्ट्र के औरंगाबाद के कार्यक्रम में हासिल कर लिया गया है और हरियाणा में ही 7 लाख से अधिक गरीब परिवारों को गैस कनेक्शन का लाभ मिला है। हमने संकल्प लिया था कि पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ देश के हर किसान परिवार को दिलाएंगे। सरकार बनते ही इसको लागू कर दिया गया है। अभी तक देश भर में इस योजना के तहत देश के 7 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को लाभ मिल चुका है, जिसमें 13 लाख से अधिक परिवार सिर्फ हमारे हरियाणा के हैं। इतने कम समय में ही देश भर के किसानों के खाते में 21,000 करोड़ रुपया, तो हरियाणा के किसानों के खाते में 425 करोड़ रुपये जमा हो चुके। किसान परिवारों के लिए ही पेंशन का एक और बड़ा संकल्प आपके सामने भाजपा ने रखा था, बुढ़ापे में सहारा देने वाली हर महीने 3,000 रुपये की नियमित पेंशन सुनिश्चित करने वाली ये योजना भी शुरू हो चुकी है। बहुत ही कम समय में देश भर के करीब 8 लाख किसान भाई बहन इस योजना से जुड़ भी चुके हैं। इनमें से 33,000 से अधिक मेरे हरियाणा के किसान भाई बहन हैं। आने वाले समय में इसमें व्यापक वृद्धि होने वाली है।
बल्कि बहुत ही जल्द छोटे और लघु व्यापारियों और कारोबारियों के लिए भी पेंशन योजना की सुविधा मिलने वाली है। भाइयों और बहनों, किसानों के हित में ऐसे अनेक प्रयास हो रहे हैं जिनके बल पर 2022 तक किसान की आमदनी दोगुनी करने का लक्ष्य पूरा होकर के रहने वाला है। किसानों की लागत कम हो, फसल का उचित दाम उन्हें मिले, उपज की बर्बादी ना हो, इसके लिए निरंतर नए नए प्रकल्प आगे बढ़ाए जा रहे हैं। रोहतक में बनने वाला मेगा फूड पार्क ऐसी ही कोशिशों का एक हिस्सा है। इस फूड पार्क से हरियाणा के हजारों किसानों और व्यापारियों को फायदा होने वाला है। इसके साथ साथ फूड पार्क से करीब करीब 7,000 लोगों को नए रोजगार मिलने वाले हैं। इसके अलावा इससे फूड प्रोसेसिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी ताकत मिलेगी। इसके लिए एक प्रभावी सप्लाई चेन यहां विकसित की जा रही है। साथियों, भाजपा का एक और संकल्प है जिस पर बहुत बड़े पैमाने पर काम शुरू कर दिया गया है। साल 2024 तक देश के हर घर तक जल पहुंचाने के लिए देश जुट चुका है। जल जीवन मिशन पर पूरा देश जुट चुका है। हरियाणा भी इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहा है। ये तय किया गया है कि पानी को बचाने और पानी घर घर जल पहुंचाने के लिए आने वाले 5 वर्षों में 3.5 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसका लाभ हरियाणा को भी मिलने वाला है। आज दुलेड़ा डिस्ट्रीब्यूटरी का पुनर्निर्माण इस दिशा में बड़ा कदम है। इसके पूरा होने से अब दर्जनों गांव के किसानों को जहां सिंचाई का पानी मिलेगा, वहीं लाखों गैलन पानी जो बर्बाद होता था, अब वो लोगों को पीने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। साथियों, रोहतक की धरती से मैं पूरे हरियाणा से ये निवेदन करूंगा कि पानी को बचाने के लिए, जल संरक्षण के लिए आप सबका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। अपने स्तर पर हम छोटे बड़े जो भी प्रयास कर सकते हैं वो जरूर करें। हम उतना ही पानी जमीन से या दूसरे स्रोतों से ले जितना जरूरी है। ये जागरूकता लाना अपने बच्चों के लिए, अपने नाती पोतों का बेहतर जीवन के लिए बहुत जरूरी है। भाइयों और बहनों, भाजपा सरकार चाहे वो केंद्र में हो या राज्य में, उनके काम में सबसे बड़ी प्राथमिकता गरीबों के हितों को दी जा रही है। हम टुकड़ों टुकड़ों में नहीं सोचते, बल्कि एक बड़े लक्ष्य को ध्यान में रखकर चौतरफा कदम उठाते हैं। मैं आपको इसका एक उदाहरण देता हूं। हम सब जानते हैं कि भारत में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करने की आवश्यकता है, लेकिन ऐसा रोडमैप पहले किसी के पास नहीं था जिसमें 130 करोड़ देशवासियों के स्वास्थ्य की चिंता समाहित हो। हमने स्वास्थ्य के साथ साथ इससे जुड़ी सुविधाओं में सुधार भी, उस पर भी ध्यान केंद्रित किया। हमारा रोडमैप था कि एक ऐसी स्थितियों को दूर करो जिसकी वजह से लोग बीमार पड़ते हैं, यानी प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। इसके साथ ही हमने स्वास्थ्य सेवाओं तक लोगों के पहुंच को आसान बनाने पर काम किया, सुविधाओं को किफायती बनाया,
और उन क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य सुविधाएं लेकर गए जहां अब तक इससे वंचित थे। स्वच्छ भारत से लेकर योग तक, उज्ज्वला से लेकर फिट इंडिया मूवमेंट तक, और इन सब के साथ साथ आयुर्वेद को बढ़ावा देने तक, इस तरह की हर पहल बीमारियों की रोकथाम में अपना अहम योगदान दे रही है। एक तरफ जहां इससे एक दूसरे से फैलने वाली बीमारियों को रोकने में मदद मिल रही है, वहीं दूसरी तरफ लाइफस्टाइल के कारण होने वाली बीमारियां भी ठीक हो रही है। साथियों, हरियाणा समेत देश भर में पारंपरिक और आधुनिक इलाज की तमाम व्यवस्थाओं को, अस्पतालों को, दवाखानों को, नेटवर्क को सशक्त किया जा रहा है। इसी सोच के साथ कुछ दिन पहले ही हरियाणा में 10 आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की शुरुआत मैंने दिल्ली से वीडियो के माध्यम से की थी। आज गुरुग्राम में नए मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया गया है। इससे स्वास्थ्य सुविधाएं भी बढ़ेगी और हमारे युवाओं को मेडिकल की पढ़ाई के लिए अधिक अवसर भी मिलेंगे। साथियों, आधुनिक मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ गरीब से गरीब को भी अस्पताल में जगह मिले, उसका इलाज हो सके, इस मकसद से काम हो रहा है। आयुष्मान भारत ने गरीबों का मुफ्त इलाज सुनिश्चित किया है। जन औषधि योजना से सस्ती दवाइयां मिल रही है। जीवन रक्षक दवाइयों की कीमतों की भी नियंत्रित किया गया है। साथियों, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि हेल्थ केयर से जुड़े जो भी कदम उठाए जा रहे हैं वो स्वस्थ और सशक्त भारत के लक्ष्य को अनुकूल है। इसके लिए कई मंत्रालय मिलकर एक यूनिट की तरह कार्य कर रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम यहीं रुकने वाले नहीं हैं, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। भाइयों और बहनों, लोकसभा चुनाव में आपने भारत के भविष्य को ध्यान में रखते हुए जनादेश दिया था। अब हरियाणा के भविष्य के लिए भी बीते 5 वर्षों की निरंतरता को आगे आने वाले 5 वर्षों के लिए जारी रखने का आपके पास एक और मौका दरवाजे पर दस्तक दे रहा। साथियों, हरियाणा की भाजपा सरकार राज्य के गौरव को बढ़ाने वाले कार्य कर रही है। आज स्वच्छ भारत की बात करें तो हरियाणा पूरे देश में अव्वल राज्यों में एक है। हरियाणा ने अपने आप को पूरी तरह से ओपन डेफिकेशन फ्री, ODF मुक्त घोषित कर लिया है। इसके अलावा हरियाणा केरोसिन मुक्त राज्य बन चुका है और MSME सेक्टर में भी देश के टॉप राज्यों में हरियाणा का नाम है। हरियाणा के बेहतर भविष्य के लिए आपके राज्य को मनोहर जी जैसे नेतृत्व की जरूरत है, जो संकल्प के साथ, समर्पण के साथ लगातार आपकी सेवा में जुट लगे रहे हैं। मनोहर लाल जी सहित हमारे तमाम साथियों ने बीते 5 वर्षों में इन संस्कारों के अनुरूप काम किया है। बीते 5 वर्षों में हरियाणा के सरकारी सिस्टम से अपने पराए के भेद को खत्म करने का, उस मानसिकता पर चोट पहुंचाने का बहुत बड़ा काम किया है। बीते 5 वर्षों में हरियाणा में परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार किया गया है। बीते 5 वर्षों में हरियाणा में सरकारी नौकरियों में बंदर बांट की एक गलत परंपरा को खत्म किया गया है। बीते 5 वर्षों में बेरोजगार युवाओं के कौशल से लेकर
उनको मिलने वाली मदद तक में वृद्धि की गई है। बीते 5 वर्षों शिक्षकों के नाम पर ट्रांसफर पोस्टिंग के खेल को बंद करने का सफल प्रयास किया गया है। बीते 5 वर्षों में हरियाणा में किसानों की जमीन पर भ्रष्टाचार का जो खेल चलता था वो भी बंद हो गया है। 5 वर्षों के ऐसे बेहतरीन ट्रैक रिकॉर्ड के दम पर पूरा हरियाणा आज भाजपा के पक्ष में खड़ा है। मुझे पूरा विश्वास है कि भाजपा के साथ, मनोहर लाल जी के साथ, रोहतक के, हरियाणा के जन जन का ये विश्वास ऐसे ही बना रहेगा। आपने देखा होगा यहां पर 45, 50, 60, 70 की उम्र के लोग जिन्होंने हरियाणा में बहुत सारी सरकारें देखी हैं, उन सरकारों के चरित्र को देखा है, उन सरकारों की पहचान पता है आपको। परिवारवाद, सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद, सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार। और यहां मुख्यमंत्री कौन बनते थे? दिल्ली में जो सरकार हो वहां के प्रधानमंत्री को, वहां की सरकार को कोई मुसीबत हो या कोई छोटी मोटी सिद्धि के गीत गाने हो तो यहां उस मुख्यमंत्री को पसंद किया जाता था कि जो दिल्ली में ट्रके भर भर गए हरियाणा से लोगों को ले आए, प्रधानमंत्री के घर के बाहर ढोल नगारे पिट्टी पे, और उस समय के प्रधानमंत्री का जय जयकार करे, ये काम कर दो तो हरियाणा को वो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री मिल जाए। यही कारोबार चला था 5 साल में। कभी हरियाणा से एक ट्रक भी लोगों को ले जाने का काम न यहां के मुख्यमंत्री को करना पड़ा है, न यहां की सरकार को करना पड़ा है। हरियाणा के लिए ये नई कार्य संस्कृति का अनुभव है, नई राजनीति का अनुभव है। निस्वार्थ भाव से हरियाणा के लिए जीने मरने वाले लोग भी हरियाणा में है, ये इस सरकार ने दिखा दिया है। भाइयों बहनों, आज देश दुनिया में अपनी कमाल दिखा रहा है। हिंदुस्तान के जीवन में 7 सितंबर मुझे एक और साक्षात्कार हुआ। और मैं कहना चाहूंगा 7 सितंबर रात में सुबह 1:50 पूरा देश टीवी के सामने नजरें गाड़ के बैठा था। देश और दुनिया चंद्रयान की गति को खुशखबरी के लिए एक नजर से वहां देख रही थी। अभी होगा, अभी होगा, अभी होगा, 1:50 बाद के 100 सेकंड 7 सितंबर की रात के वो 100 सेकंड
7 सितंबर की अर्ली सुबह के वो 100 सेकंड मैंने एक और साक्षात्कार किया। एक घटना ने पूरे देश को 100 सेकंड के अंदर जगा दिया। एक घटना ने 100 सेकंड के अंदर पूरे हिंदुस्तान को जोड़ दिया। एक ऐसा स्पिरिट, और मैं कहूंगा जैसे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बात करते हैं, मैं कहूंगा अब हिंदुस्तान में इसरो स्पिरिट है। अब देश नकारात्मकता को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। सफलता असफलता के मायने 100 सेकंड के भीतर भीतर देश ने बदल दिए हैं। अब देश पुरुषार्थ की पूजा करता है, अब देश पराक्रम की पूजा करता है, अब देश परिवर्तन की आस्था को लेकर के चल पड़ा है। 125 करोड़ देशवासियों का ये मिजाज मेरे जीवन की बहुत बड़ी पूंजी है। हिंदुस्तान के उज्जवल भविष्य की बहुत बड़ी विरासत है। जो लोग निराशा में जीते हैं, जिनको निराशा खोजने में ही आनंद आता है, आशा और विश्वास की ताकत क्या होती है, संकल्प का सामर्थ्य क्या होता है, 100 सेकंड में आज से तो हिमाचल कश्मीर से कन्याकुमारी, अटक से कटक हिंदुस्तान ने दिखा दिया है। जिस देश में संकल्पों के लिए जीने की इतनी बड़ी ताकत होती है, वो इसरो स्पिरिट होता है। जो देश सफलता और असफलता की सीमाओं के परे संकल्पों के लिए जीता है, वो सपने भी पूरे करता है। और इसलिए उस 100 सेकंड में देश ने जो करके दिखाया है, निमित्त इसरो के वैज्ञानिक थे, निमित्त चंद्रयान की यात्रा थी, लेकिन मिजाज 125 करोड़ देशवासियों का था। भारत भाग्यवान है, हम भाग्यवान है कि देश के अंदर ऐसी ऊर्जा है, देश के अंदर ऐसी भावनाएं हैं। यही भावनाएं देश के सारे संकल्पों को पूरा करने वाली है। भाइयों बहनों, हम निर्णय ले पा रहे हैं, हम फैसले ले पा रहे हैं, क्योंकि देश की जनता को विश्वास है देश हित के सिवाय हमारे कोई मानदंड नहीं है, हमारा कोई तराजू नहीं है। और उसी उसूल से मनोहर लाल जी ने हरियाणा को नई दिशा दी, नई गति दी, नई ताकत दी। हरियाणा के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, एक बार फिर विकास परियोजनाओं के लिए आपको बधाई। आप भारी संख्या में यहां हम सभी को आशीर्वाद देने आए, इसके लिए आपका आभार। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए,
भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री नरेंद्रवादी, श्री नरेंद्रवादी, श्री नरेंद्रवादी, वंदे वंदे। आज हरियाणा के युवाओं ने धारा 370 हटाने पर और इतनी बड़ी जनसमूह ने माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद किया। अब मैं निवेदन करूंगा, श्री मुनीश ग्रोवर जो मंत्री है हरियाणा सरकार में, वो माननीय प्रधानमंत्री जी का और हरियाणवियों का धन्यवाद करें। भारत माता की, भारत।